गुड इवनिंग क्लास, लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। मेरी आवाज आ रही है क्या? आप चैट बॉक्स में बताएं। पहले आप अपना अटेंडेंस मना लीजिए। यस, ओके ओके। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। यस, ओके ओके। स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस, ओके। सो पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 13 को एंड करके चैप्टर नंबर 13 दैट इज पैथागोरस थ्योरम, वो चैप्टर हमने एंड किया था, और अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स ये वाला टॉपिक हमने इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। बस हमने इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का पढ़ा था। आज हम ये चैप्टर को हम वहां से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो दिस टॉपिक इज अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो आपने बुक वन में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन। ओके, जिसमें हमने लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये सब चीजें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन में हमने पढ़ा था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ओके, तो ये सबने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन, ये आपके बुक वन का चैप्टर नंबर 4-5 जो भी हो आप देख लेना, तो ये हमने उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये चैप्टर नंबर 14 जो आपका है वो आपका है बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो होता है, स्क्वायर का उसका आपको क्या पढ़ने है? एक्सपेंशन आपको पढ़ने हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कैसे होता है और इसका क्या अप्लीकेशन है, मीन्स क्वेश्चंस में आप कैसे इसका यूज करोगे, तो ये इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सर आई हैव अ डॉट। यस, हाँ, आप अपना डॉट पूछें पहले। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डॉट। आपका मैंने होमवर्क चेक किया था, पैथागोरस। यस, ओके सर, इन लास्ट लेक्चर मींस यू हैव प्रोसीड द लेसन नंबर 14, सो मींस यू हैव गिवन द डायग्राम एंड यू हैव टॉट दैट, सो वंस रिकैप नो दैट डायग्राम। ओके ओके, हाँ, पहले मैं वही डायग्राम को पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। बेसिकली वो जो डायग्राम हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था वो आपके एकदम बुक का है, आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। मीन्स ये हमारा क्या था, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया था, एक मिनट। यस, हमने पिछले क्लासेस में क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था। यस, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर था, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस, यहाँ पे दिस इज पी क्यू आर एंड एस, दिस इज अ स्क्वायर। ओके, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बात हुई थी, ये आपका मीन्स एक लैंड का प्लॉट है, मीन्स जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसमें आपने क्या किए, आपने क्या किया, इसे चार भाग में इसे डिवाइड किया। पहले दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज फोर्थ पार्ट। ओके, तो चार भागों में इस आपने स्क्वायर को आपने डिवाइड किया। लेट अस सपोज फर्स्ट पार्ट में आपने अपना घर बनाया, सेकेंड में भी आपने गार्डन लगाया, थर्ड में लेट अस सपोज कार पार्किंग का आप जगह बनाए। ओके, तो इसी तरह आपने इस जमीन के टुकड़े को, डेट इज पी क्यू आर एंड एस, दिस इज अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड यू डिवाइडेड दिस इनटू फोर पार्ट, डेट इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, सो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज एक्स, फर्स्ट पार्ट का लेंथ क्या है एक्स, एंड ब्रेथ इज ऑल्सो एक्स, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज एक्स। ओके, सो ऑब्वियसली इट्स एरिया विल बी व्हाट, इट्स एरिया विल बी एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ओके, मीन्स यहाँ पे इसका
दिस इज द ब्रेथ आप इसे बोल सकते हो और इसे लेंथ बोल सकते हो. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ. सो एक्स इन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सो द लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ द सेकेंड पार्ट इज वाई. सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू नो दैट लेंथ इन टू ब्रेथ. सो लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई. सो द एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट इज एक्स वाई. अब हम इसी तरह अब हम देखते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट का एरिया क्या है. सो द लेंथ ऑफ द थर्ड पार्ट इज एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ द विड्थ ऑफ द थर्ड पार्ट इज वाई. एंड यू नो दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स इनटू वाई. सो द एक्स इज लेंथ एंड वाई इज द ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज एक्स इनटू वाई. सिमिलरली अभी हमें फोर्थ पार्ट का एरिया निकालने के लिए बचा है. सो द एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट विल बी व्हाट. एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट विल बी हेयर इट इज वाई इज द लेंथ एंड वाई इज द ब्रेथ. मीन्स लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे सेम है तो आप इसे स्क्वायर भी बोल सकते हो. सो द एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज वाई इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ. या आप अगर इसे स्क्वायर सपोज करोगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होती है साइड स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट विल बी y square. तो यहाँ पे हमने चारों पार्ट का एरिया निकाला. ओके द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज x square. एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज x y. एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज x y. एंड एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज y square. ओके मीन्स यहाँ पे चार छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं और चारों का हमने एरिया क्या निकाला. चारों का हमने एरिया अलग अलग करके निकाला. तो अगर आपको टोटल का एरिया अगर आपको बताने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, आप चारों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आपको x plus y is not is equal to xy. ओके x plus y is not is equal to xy. ओके x into y आप इसे लिख सकते हो xy. ओके ये क्या है, ये जो आपने चैट बॉक्स में लिखे ये आपका क्या है गलत है. ओके सो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, यहाँ पे हमने चारों एरिया निकाला तो अब हम चारों एरिया को अब हम ऐड करते हैं. अब हम सभी एरिया को ऐड करते हैं. सो द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर. सो राइट एक्स स्क्वायर ओवर हियर. ओके अगर ये क्या है चार छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं और चारों टुकड़े के एरिया को अगर आप ऐड करोगे तो यू गेट द एरिया ऑफ होल पार्ट. ओके सो द एक्स स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट. एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज वॉट एक्स इंटू वाई. सो द एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्स इंटू वाई. दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट. द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज वॉट एक्स इंटू वाई. सो अगेन एड एक्स वाई. अगेन एड एक्स इंटू वाई. एक्स इंटू वाई. सो दिस इज द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. And area of fourth part is what? Y square. Okay. Area of fourth part is y square. Okay. So आपको क्या यहाँ पे मिला? इस land के plot का जो area है x square plus xy plus xy plus y square. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this xy and this xy both are like term. Like term आप जानते होंगे. Like term हमने algebraic expression and its operation में पढ़ा था. What is like term? So यहाँ पे xy plus xy is like term. So we can add. तो यहाँ पे इसे add करने के बाद हमें क्या मिलेगा? x square as it is रहेगी. Plus हम लिखेंगे xy plus xy. It will become 2xy. प्लस इसके बाद क्या है, दिस इज द वाई स्क्वायर रिमेन एज इट इज. सो यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ये पी क्यू आर एस. यहाँ पे जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इसका एरिया क्या आया, इसका एरिया हमें आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, सो ये टॉपिक ये वाला है, मींस यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर कहाँ पे हो रही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसका ऊपर में यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये टॉपिक हमारा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर, एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर। ओके, दिस टॉपिक इज वॉट, अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर। सो यहाँ पे ये हमारा है, तो हमें एरिया क्या यहाँ पे मिला, हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा बेसिकली ये टॉपिक है। एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ, लाइक टर्म विच वेरिएबल्स आर सेम, वेरी गुड, कंफ्यूजिंग। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक बार फिर से बुक देखिएगा, क्योंकि दो बार मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए थे और आज भी हमने डिस्कस किया। ओके, सो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे आपका जो बुक में जो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, तो यहाँ पे आप चारों पार्ट का एरिया को आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्स वाई, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज एक्स वाई। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ कि कैसे आपका आपको क्या करने हैं। सो लेट अस सपोज, लेट अस सपोज दिस इज अ, ये आपका एक जमीन का टुकड़ा है, दिस इज योर लैंड। ओके, और आपको इसे चार पार्ट में डिवाइड करने, आपने क्या किया, इसे चार भाग में आपने इसे डिवाइड कर दिया। ओके, आपने चार भाग में इसे डिवाइड कर दिया, इस सारे पार्ट का नाम क्या दिया, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर। ओके, सो यहाँ पे एरिया क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्स इंटू वाई, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज एक्स इंटू वाई, एंड एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज वाई स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सारे पार्ट का एरिया क्या है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, चारों एरिया को आप ऐड कर दोगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये होल लैंड का व्हाट इज द एरिया ऑफ होल लैंड, देन यू कैन सिंपली ऐड एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट एंड एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। तो आप क्या करोगे, चारों एरिया को आप ऐड कर दोगे। सो द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज एक्स वाई, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज अगेन एक्स वाई, एंड एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज वाई स्क्वायर। एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई बोथ आर लाइक टर्म, मीन्स हैविंग सेम वेरिएबल, सो वी कैन ऐड। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इट विल बिकम टू एक्स वाई, एंड y square remain as it is. So the area of this figure will be x square plus 2xy plus y square. This will be the area of this figure. So यहाँ पे क्या है, ये जो आया है x square plus 2xy plus y square, ये हमारा area आया है। तो आप बचपन के क्लास में, आप जब छोटे हो गए तो आप पढ़े हो गए, a plus b का whole square, a plus b का whole square क्या होता है। ओके, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, मीन्स आपके बुक में ऐसे ऐसे लिखा है, मीन्स टू ए बी मिडल में लिखा है, तो बोथ आर सेम, दोनों क्या है, दोनों सेम है। ओके, तो व्हाट इज द ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिस इज द ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, मीन्स ए प्लस बी को अगर आप होल स्क्वायर करोगे, इट विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर, वेरी गुड। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, गुड। ओके, मैंने रिपीट कर दिया, फर्स्ट सेकेंड, यस, वी एड ऑल फोर पार्ट एंड get the area of whole. Okay, so हम topic पे आगे proceed कर रहे हैं, a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. तो ये क्या है, ये simply एक formula जैसा है, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं,
बट ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये अभी हम देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आप अपने नोटबुक पे यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। तो लेट अस सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हमें क्या करने हैं, एक्सपेंशन करने हैं। इसे हमें क्या करने हैं, एक्सपेंशन करने हैं। तो अगर जैसे 2 का स्क्वायर रहता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, क्या लिखते हो, 2 इंटू 2 मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी है ये दो बार मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह लेट अस सपोज यहाँ पे हम क्या लिखें, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी के ऊपर में स्क्वायर है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये क्या है, ये एक्सपेंशन है। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है। तो हमने ये वाली चीजें जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे कि कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए को हम पहले ए को ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी को ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्लस अब ये क्या बचा है, बी, तो बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ए प्लस बी से, तो बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज ए बी, ए इंटू बी इज ए बी प्लस यहाँ पे बी और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा, डेट इज बी और ए को आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, बोथ आर सेम, प्लस यहाँ पे अब क्या होगी, ये बी और बी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, सो बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हेयर ए बी एंड ए बी बोथ आर लाइक टर्म, ए बी एंड ए बी बोथ आर लाइक टर्म, सो वी कैन एड दिस, सो ए बी प्लस ए बी इज टू ए बी, सो आवर आंसर विल बी, आई एम राइटिंग ओवर हेयर, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस ए बी प्लस ए बी विल बिकम टू ए बी बिकॉज इट इज लाइक टर्म, सो वी कैन एड एंड प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने सिंपली क्या किया, इसे हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन में आपने पढ़े होंगे, उसी आपने उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन वाला एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसी टॉपिक के अंदर में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टॉपिक थी, तो हमने उसी बेसिस पे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में हमें क्या आया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो द ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मीन्स अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आपको जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया, उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी अगर आप एक्सपेंड करोगे, जैसे हमने पिछले वाले मीन्स ए प्लस बी के केस में किया, तो आपको क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये दोनों फार्मूला को आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है वो मैं आपको अच्छे से
यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंसेस हैं, इस दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो इस फॉर्मूला में क्या, पहला वाला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड सेकेंड फार्मूला इज ए माइनस बी टू दी ए माइनस बी रेज टू, ए माइनस बी के ऊपर में पावर क्या है, टू है। तो इन फर्स्ट केस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे प्लस टू ए बी है। बट इन द सेकेंड केस हेयर इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे क्या था, प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, मीन्स टू ए बी वाली चीजें सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे साइन सिर्फ चेंज होती है, बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के पीछे में क्या है, प्लस है। तो ये आप याद रखोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के केस में यहाँ पे प्लस टू ए बी आएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के केस में यहाँ पे माइनस टू ए बी आएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये फॉर्मूला हमें कैसे कैसे हम इसे क्रॉस वेरीफाई इस फॉर्मूला को करेंगे। सो पहले हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला केस देखते हैं। ए स्क्वायर, यस वेरी गुड, ओके ओके गुड। सो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लेट अस सपोज अगर मैं लेट ए इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू थ्री मैंने सपोज किया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए के जगह पे हम फाइव लिखेंगे और बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, थ्री। ओके, सो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू थ्री, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट दे दिया, और फिर क्या है, स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया। ओके, जैसे जैसे चीजें थी वैसे ही हमने कर दिया, मीन्स ए के ए ए इज इक्वल टू फाइव, तो ए के जगह पे यहाँ पे फाइव आ गया, बी इज इक्वल टू थ्री, सो थ्री इज ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ बी, सो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू व्हाट, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, एंड यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर आप स्क्वायर लिखोगे, सो एट स्क्वायर इज व्हाट, एट स्क्वायर इज एट इंटू एट डैट इज 64, डैट इज एट स्क्वायर इज 64, एट स्क्वायर क्या होगी आपकी 64 हो जाएगी। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज 64, मीन्स जब कौन से केस में, व्हेन व्हेन ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू थ्री, इस वाले केस में क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री का होल स्क्वायर, डैट इज फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट एंड एट रेस टू इज इक्वल टू 64। बट आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब आप ये भी जानते हैं, इसका बड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, मीन्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने पिछले स्लाइड में हमने देखे थे। तो अगर आप ए इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे डालोगे एंड बी इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे डालोगे तो भी आपको क्या आंसर्स आने चाहिए, 64 आने चाहिए। अगर 64 आंसर आएगी तो इसका मतलब यह होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, ये वाकई में ऐसा होता है। ओके, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? हाँ, मैं एक और एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल देना स्टार्ट किया हूँ, एक और एग्जांपल दूंगा, अभी हम ये एग्जाम्पल आपको दे ही रहे हैं। ओके,
सो यहाँ पे हम यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए इज 5, सो ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 ab, 2 into ए इज वॉट, ए इज अगेन 5 एंड बी इज वॉट, बी इज 3, बी इज 3 एंड प्लस यहाँ पे है तो फिर प्लस आ जाएगी और बी स्क्वायर, तो बी इज वॉट, बी इज 3, सो इट विल बिकम 3 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 5 स्क्वायर इज 25। ओके, ये 5 स्क्वायर का काम तमाम हो गया। देन ये वाले टर्म, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 25 प्लस 30, फिर प्लस क्या आ जाएगी, 3। ओके, तो ये कितना आपका आ जाएगा, आप इसे ऐड करोगे, 25 प्लस 30, डेट इज 1 मिनट लगता है कहीं पे, यहाँ पे क्या होगा, 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगी, 9 होगी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा। ओके, सो 25 प्लस 30 प्लस 9 इज इक्वल टू, इसे आप ऐड करोगे, 30 प्लस 25 इज 55 एंड 55 प्लस 9 इज 64। तो दोनों केस में आपका क्या आंसर आ रहा है, 64 आ रहा है। सो दोनों केस में हमारा आंसर क्या आया, 64 आया। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर के केस में देखा कि मीन्स आप LHS लो, ओके, मीन्स आप ये LHS लो या RHS लो, और ए और बी का एक पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या होती है, दोनों चीजें सेम आती है। अब हम, अगर जो लोग नहीं समझे होंगे उनके लिए, अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होती है, इस ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab -2ab+b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम a इज इक्वल टू क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 लेते हैं और b इज इक्वल टू 3 लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम दोनों में पुट करके देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पुट करके देखेंगे और a² - 2ab+b² हम यहाँ पे भी पुट करके देखेंगे। तो यहाँ दोनों दोनों केस में हम क्या करेंगे, दोनों केस में ए और बी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और अगर आंसर सेम आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab+b² ये चीजें क्या है, वैलिड है। ओके, सो हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ए इज वॉट, ए द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड बी इज वॉट, बी इज -3, b इज 3। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया एज इट इज, और माइनस के बाद क्या है, b, एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3, सो 5 - 3 एंड अ स्मॉल ब्रैकेट रेज 2। मींस हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ a के जगह पे 5 थी तो हमने 5 डाल दिया और b इज इक्वल टू 3, तो b और 3 दोनों क्या है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 आपको दिया गया है, सो यू कैन राइट b एज 3 ओवर रेयर। सो 5 - 3 का होल स्क्वायर, सो 5 - 3 इज वॉट, 2, 5 - 3 इज इक्वल टू, 5 - 3 इज 2 एंड 2 टू दी पावर 2, 2 इज 2, डेट इज इक्वल टू 4। ओके, सो 5 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। अब हम इस केस में देखते हैं, अगर हमारा आंसर 4 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab+b स्क्वायर, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये फॉर्मूला क्या होगी, वैलिड हो जाएगी। सो ए के जगह पे हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ए के जगह पे 5 एंड ए के ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो हम 5 के ऊपर में स्क्वायर रख दिए। ओके, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ ए का वैल्यू यहाँ पे हमने 5 पुट किया। अब यहाँ पे -2ab है तो द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 3। ओके, सो माइनस माइनस 2 * 2ab, सो ए इज व्हाट, ए इज 5 एंड बी इज 3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
एंड देन प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो हम प्लस हम लिख दिए और उसके बाद क्या है बी स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज थ्री, ओके वैल्यू ऑफ थ्री इज बी इज थ्री, सो थ्री स्क्वायर, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव थ्री जा फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, ओके और प्लस थ्री स्क्वायर इज नाइन, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे 25, ये क्या है 25 और 9 ये दोनों क्या है दोनों पॉजिटिव है, सो 25 प्लस 9 इज 34 एंड यहाँ पे 30 क्या होगी, ये 34 में से 30 सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनली 4 आएगा, योर आंसर विल बी प्लस 4, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वाले केस में आपको क्या आया प्लस 4 आया, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यस आंसर इज 4, यस आंसर इज 4, ओके सो द आंसर विल बी 4, ओके सो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको काफी मीन्स आगे भी आपको ये काम आते रहेगी, ये क्या आपका ये फॉर्मूला है, तो अब हम आगे हम प्रोसीड करते हैं, सभी लोग ये लिख ही चुके होंगे, तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, अब हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, अब हम कुछ एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ओके तो यहाँ पे हम हमने अभी क्या किया, हमने सिंपली अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था जिसमें हमने a इज इक्वल टू 5 लिखा था और b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, अब हम अगर लेट अस सपोज अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए कि आपको बोला जाए कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसे आपको क्या करने है, इसे आपको एक्सपेंड करने है, यू हैव टू एक्सपेंड 2x प्लस 3y टू द पावर 2, मींस 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर को आपको क्या करने है एक्सपेंड करने है, तो अगर आप अगर आपको ये क्या है ये यहाँ पे 2x is what a एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3y is b यहाँ पे ब्रैकेट a के पहले भी ब्रैकेट एंड यहाँ पे क्या है स्क्वायर इज 2, ओके तो ये क्या है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, वेयर a is क्या यहाँ a यहाँ पे क्या है a इज 2x एंड b इज इक्वल टू 3y, ओके b इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x है, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके ये क्या आपने फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा, सो इसे भी अब हम क्या करेंगे इसे हम इसी बेसिस पे हम एक्सपेंड करेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो हेयर वी राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके सो a इज व्हाट, मैं यहाँ पे इसे एक्सपेंड करता हूँ, a इज व्हाट a यहाँ पे क्या है a इज 2x, a यहाँ पे क्या है a का वैल्यू क्या है 2x, a इज 2x, तो a स्क्वायर इज व्हाट a स्क्वायर के जगह पे मैं आपको समझाने के लिए इतना मैं एरो देके लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे 2a इज द वैल्यू ऑफ a इज 2x देन इट इज 2x टू द पावर 2, अब क्या है प्लस 2ab, सो प्लस 2 a का वैल्यू क्या है a इज व्हाट a इज 2x एंड b इज 3y, सो 2 into 2x into 3y, तो ये वाला टर्म यहाँ पे हमने लिख दिया, अब हम b स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज 3y का होल स्क्वायर, सो 3y का होल स्क्वायर, तो ये हमने इस टर्म को हमने यहाँ पे हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया,
कौन से बेसिस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज व्हाट, 2x टू द पावर 2 प्लस 2 ए इज 2x, 2 इनटू 2x इनटू 3y प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी द वैल्यू ऑफ ए इज 3y का होल स्क्वायर. अब मैं बाकी चीजों को, मैं एक्स्ट्रा चीजों को इरेज करता हूं और हम इसे फर्दर एक्सपेंड करके हम आंसर आपको हम बताते हैं कि इसे आप कैसे करोगे. तो इसे आप क्या करोगे, आप और जो भी स्क्वायर वाली चीजें हैं उसे आप आगे और ले चलोगे और जो लाइक टर्म आएगी उसे हम ऐड करेंगे. सो 2x टू द पावर 2, ओके. सो 2 टू द 4, मैं यहां पे बताता हूं 2x का क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगी, ये 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपने इंडिसेस में पढ़े होंगे. सो 2 स्क्वायर इज व्हाट, 2 स्क्वायर इज 4 एंड एक्स स्क्वायर इज रिमेन एज इट इज, ओके. सो 2x स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर. तो यहाँ पे 2x स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर, ओके. अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3x प्लस 3y, 2 इंटू 3x इंटू 3y, 2 इंटू 3x इंटू 3y. तो पहले हम न्यूमेरिकल वाले टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ओके. सो द कॉन्स्टेंट विल बी 18. एंड यहाँ पे अब क्या बची है, x और y बची है, x और y. तो x और y को हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके. सो इट विल बिकम प्लस 18xy, मीन्स ये वाले टर्म का क्या आ गया, ये वाला टर्म 2 इंटू 3x प्लस 3y, इट बिकम प्लस 18xy. अब हमारे पास क्या बचा है, प्लस 3y स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, प्लस 3y का होल स्क्वायर. तो इसे आप फर्दर ब्रेक करोगे तो ये क्या आपको आएगी, 3 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर इज 9 एंड y स्क्वायर. सो 3y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 9y स्क्वायर. अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये वाली जो चीजें बीच में आपको है, ये वाली, ये आप चैप्टर इंडिसेस में आप फिर से देखोगे. मैं पिछले भी क्लासेस में आपको बोला कि आपको इंडिसेस चैप्टर देखने हैं. सो ये 3y स्क्वायर विल बिकम 9y स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर आया जब हमने एक्सपेंड किया किसको, 2x प्लस 3y टू द पावर का होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया. तो हमें ये आंसर आया, हमें सिर्फ तीन ही बहुत कम ही स्टेप करके ये आंसर मिल गया. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे, सर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन कौन कौन लोग आप समझ पाए क्या. चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ. मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या, माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली, एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली, यस, ओके. चलिए तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले आप दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा. आपने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला, ओके. ये आपकी फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने हैं, ओके. a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपका क्या है, फॉर्मूला है. अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले का कैसे एप्लीकेशन होती है, क्या यूज होती है, ये अभी हम देख रहे हैं. तो हमने अभी आपको जस्ट इससे पहले बताया कि हमने 2x plus 3y को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया. हमने क्या किया, एक्सपेंड 2x plus 3y को हमने क्या किया, 2x plus 3y का होल पावर 2, इसे हमने क्या किया, इसे आपको क्या करना था, एक्सपेंड करना था. जो हमने पिछले वाले
एग्जाम्पल में हमने किया, ओके तो अगर आप इसे कंपेयर करो 2x प्लस 3y टू द पावर 2, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है, दिस इज 2x को आप क्या सपोज कर सकते हो a, 2x, लेट अस सपोज 2x इज a एंड 3y इज b, 3y इज b और बीच में क्या है प्लस है, दोनों तरफ क्या है ब्रैकेट है एंड ऊपर में ब्रैकेट के ऊपर में क्या है स्क्वायर। तो आपने 2x प्लस 3y इसे आपने आप इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके इक्वल होती है। तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दिस एक्सप्रेशन आल्सो शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू यहां पे क्या है 2x, b का वैल्यू यहां पे क्या है 3y, ओके तो आप इसे एक्सपेंड करोगे तो a का वैल्यू क्या है यहां पे, a का वैल्यू यहां पे 2x है, b का वैल्यू यहां पे 3 है, तो a स्क्वायर, तो a इज व्हाट, a इज 2x, a इज 2x, सो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 यहां पे है, तो 2 इज कांस्टेंट, सो वी राइट 2 एज इट इज। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो 2 इज 2 को ऐसे ही लिखेंगे और a इज अगेन a यहां पे a फिर a इज 2x, a का वैल्यू यहां पे क्या है 2x, सो a का वैल्यू यहां पे 2 into 2x फिर into 2a into b, 2a into b, सो b इज व्हाट, b इज 3y, b इज 3y, सो यहां पे क्या लिखोगे फिर 3y, ओके अब हमें क्या बचा है प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस को प्लस हम लिखेंगे एंड b इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ b इज 3y, द वैल्यू ऑफ b इज 3y, सो 3, सो यहां पे आप b का वैल्यू 3y लिखोगे और 3y के ऊपर में क्या है स्क्वायर है, ओके 3y के ऊपर में क्या है स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, ये 2x plus 3y को हमने a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर इस फॉर्म में हमने क्या किया एक्सपेंड किया। मैं यहां पे भी आपको दिखा देता हूं, दिस इज 2x इज व्हाट, 2x इज, 2x इज a, यहां पे ये क्या है 2, ये क्या है a और ये क्या है b एंड दिस इज b, b स्क्वायर, ओके सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने 2x प्लस 3y को सिंपली हमने a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस पे हमने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके हमने काफी कम समय में हमने आंसर फाइंड कर लिया, ओके हमारा आंसर क्या आया था, सिर्फ हमें क्या एक यहाँ पे काम बच जाएगा कि ये वाले टर्म को हमें ऐड कर मींस मल्टीप्लाई करनी होगी एंड इट विल बिकम 18xy जो कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में सेम एग्जांपल था उसमें हमने देखा था। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप समझे होंगे तो अभी ठीक, नहीं समझे होंगे तो ये एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिएगा। हमें निकालने हैं क्या 51 स्क्वायर, हमें क्या निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड 51 का स्क्वायर, ओके ये स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं, 51 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको क्या निकाल के बताने हैं। तो इसे हम किससे, इसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम इससे रिलेट करके 51 के स्क्वायर को हम निकालेंगे। तो ये कैसे होगा, तो हम इसे देखते हैं। 51 को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 1, 50 में 1 ऐड करने पे क्या होती है 51 होती है, 50 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 51, ओके इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। तो 50 प्लस 1
का ये टोटल के ऊपर में क्या है, पावर है। ओके, 50+1 होल के ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, मीन्स 51 स्क्वायर। तो दोनों चीजें क्या है, सेम है। 51 को आप 50+1 लिखो या 51 लिखो, बोथ आर सेम। यहां तक किसी को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो 50+1 टू द पावर होल स्क्वायर 2 ये आया है, ये क्या है, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये इस फॉर्म में है, वेयर ए इज व्हाट, ए इज 50 एंड बी इज 1। ए क्या है यहाँ पे, ए इज 50 एंड बी इज 1। ओके, ए इज 50 एंड बी इज 1, ये चीज आप समझ पा रहे हो। ये बिल्कुल यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में आया है, ए इज 50 एंड बी इज 1, और दोनों के ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। तो इसे हम 50+1 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तौर पे हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम आगे हम आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ये बस मैं आपको कोरिलेट करने के लिए बोला कि ये 50+1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस पे। यस, तो 50+1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² सो ए इज व्हाट, ए इज 50, तो ए इज 50 एंड बी इज 1। ओके, सो ए स्क्वायर इज 50 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 2ab, सो 2 को एज इट इज लिखूंगा, ए इज व्हाट, ए इज 50, ए क्या है 50 एंड बी इज 1, सो 2 × 50, 2 × 50 × 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब प्लस बी स्क्वायर हमारे पास, इसका ऑपरेशन करना हमें बचा है। सो यहाँ पे अब क्या लिखोगे आप, प्लस बी स्क्वायर, तो बी इज बी, यहाँ पे क्या है, बी द वैल्यू ऑफ बी इज 1, सो 1 का स्क्वायर, सो 50 का स्क्वायर इज 2500, द स्क्वायर इज 50 इज 2500, एंड 2 × 50 इज 100 × 1, दैट इज इट इज इक्वल टू सिंपली 100 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। सो 2500 प्लस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 100, 2600, एंड 2600 प्लस 1 इज इक्वल टू 2601, सो द स्क्वायर ऑफ 51 स्क्वायर, तो 51 स्क्वायर इज 2601, 51 स्क्वायर विल बी 2601, 51 स्क्वायर विल बी 2601। ओके, ये क्या है, 51 का स्क्वायर है, ये हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने निकाला। अगर आपको ऐसे, अगर आपको 51 का स्क्वायर कोई पूछ दे, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 51 लिखोगे, ओके, फिर 5 लिखोगे, 25 लिखोगे, और जो आपका पारंपरिक मल्टीप्लीकेशन का तरीका है, आप उससे 2601 निकालोगे। बट यहाँ पे ये हमने, यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे हमने रिलेट करके इसका हमने स्क्वायर निकाला है। ओके, तो ये आपका क्या है, टाइम सेव करेगी, या आपको और भी ढेर सारे एप्लीकेशन में इसकी मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या, माई वॉइस इज ब्रेकिंग, लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट एनी प्रॉब्लम इन माई ऑडियो। यस, ओके ओके, यस यस, इट्स ओके ओके। सो ये 51 का स्क्वायर क्या आप समझ पाए क्या, 51 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 51 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, क्या आप समझ पाए क्या। यस ओके ओके, तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पढ़ रहे थे। तो इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड
वैल्यू ऑफ 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो ये 98 तो ये थोड़ा क्या आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तुरंत बताना। तो आप क्या करोगे, 98 को आप क्या लिखोगे, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 इज 98, ओके, बोथ आर इक्वल, सो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। तो और ऊपर में क्या है, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लिख दिया, हमने ऊपर में स्क्वायर था तो स्क्वायर ऊपर में लिख दिया। हंड्रेड माइनस टू स्क्वायर, 100 माइनस 2 स्क्वायर, ओके, 100 माइनस 2 स्क्वायर। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये क्यों, कौन से फॉर्म में है, 100 को आप ए मानो, उसके बाद क्या है माइनस, एंड 2 इज बी, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये कुछ इस फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे 100 इज व्हाट, 100 इज ए, तो ए स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज व्हाट, बेस 2, सो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर इज 10,000, 10 10 पे 3 जीरोज आएगी, एंड 2 into 100 इज 200, इंटू 2 400, सो यहाँ पे 400 माइनस 400 प्लस 2 2 जा 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, सो यहाँ पे 10,000 10,000 माइनस 400 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 9600 आएगी, 9600 आएगी, 9600, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4 आपको ऐड करने के लिए बचा है, सो द स्क्वायर ऑफ 9800, सॉरी 98 इज 9604, 9604। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, ओके, सो द स्क्वायर ऑफ 98 इज 9604, 9604। तो मैं यहाँ पे, आप घर पे क्या करोगे, घर पे आप 72 का स्क्वायर फाइंड करोगे, और 72 का स्क्वायर फाइंड करोगे, और 69 का स्क्वायर आप फाइंड करोगे, ओके, ये आप 71 को आपको किससे फाइंड करने हैं, आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से फाइंड करने हैं, और 69 को इसे आप कौन कैसे करने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ये आपके क्या बुक के, बुक में भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस सेट में। यस, 100 माइनस 9604, वेरी गुड। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, और एक दूसरा क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में, इजी कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेट अस सपोज आपको 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आपसे पूछा जा रहा है, 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, सो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, बट यहाँ पे क्या है, ये एक छोटा सा वैल्यू है 5 एंड 3, तो आप ऐसे भी बता सकते हो, बट लेट अस सपोज आपको 68 स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर पूछ दूं, तो वो थोड़ा क्या है, ज्यादा बड़ा अंक है, तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी,
तो वहां पे ये वाली फॉर्मूला आपको यूज आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 5² - 3² को आप क्या लिखोगे, ए द वैल्यू ऑफ 5 क्या है, 5 इज ए एंड बी इज 3, सो ए प्लस बी, ए ए इज 5 एंड बी इज 3 इंटू ए माइनस बी, 5 - 3, तो 5 + 3 इज 5 + 3 इज 8 एंड यहाँ पे ब्रैकेट, सो ब्रैकेट इज मल्टीप्लीकेशन इंटू 5 - 3 इज 2, सो 8 2 = 16, 8 2 = 16, सो द आंसर ऑफ 5² - 3² इज 16, द आंसर ऑफ 5² - 3² इज 16, ओके। तो इसी तरह ये वाले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। एक और मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं एक्सपेंशन करके बताता हूँ। सो लेट अस सपोज आपको अगर पूछ दिया जाए 3x + 4y इंटू 3x - 4y, ओके। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप अपना बुद्धि लगाओगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है, मीन्स 3x एंड 3x, ओके। दोनों क्या है, यहाँ पे 3x और 3x है, और यहाँ पे क्या है 4y एंड 4y, और बीच में दोनों के क्या है, एक में यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और दूसरे में क्या है नेगेटिव है। सो यू कैन रिप्रेजेंट 3x + y इंटू 3x - 4y एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए इज 3x, ए इज 3x एंड बी इज 4y, ए का वैल्यू क्या है 3x और बी का वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेट इज 3x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ओके। तो इसे आप एक्सपेंड करोगे देन इट इज 9x² - 16y² इट विल बी योर आंसर, इट विल बी योर आंसर। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा ये एक्सपेंशन है। सो इट इज यहां तक अभी हमने आज 3 फॉर्मूला पढ़ा, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेकेंड फॉर्मूला इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस उदाहरण के तौर पे हमने किया, जो भी आपकी होमवर्क होगी आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, और अगले क्लास में हमारा इस चैप्टर का 2 छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, डेट इज फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मींस एंड फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा और बाइनोमियल भी मैंने आपको पढ़ाया था, मींस दो अनलाइक टर्म को के बीच में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती है डेट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल, ओके। तो यहीं पे आज का क्लास हम स्टॉप करते हैं, ओके। ओके ओके, आई विल गिव मार्क्स, यस। सो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ, और जिसको अगर अलजेब्रिक वाले पोर्शन में आपको अगर समझने में कठिनाई होगी तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन चैप्टर आप रिवाइज करोगे घर पे, और जिसे आप जिसे पावर में पावर को समझने में कठिनाई होगी इंडिसेस वाले चैप्टर को आप क्या करोगे रिविजन करोगे, ओके। तो यहीं पे आज का क्लास एंड होता है। जो भी आपकी होमवर्क होगी होमवर्क वो आपको गूगल क्लासरूम में प्रैक्टिस सेट 50 आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट 50, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 50 एंड, हाँ प्रैक्टिस सेट 50 एंड 51 इज योर होमवर्क, ओके। ये आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, और अगले क्लास में हमारा छोटा सा ये टॉपिक बचा है वो हम एंड करके फिर स्टैटिक्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो बाय, गुड नाइट एवरीवन, नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास, यस, थैंक यू। हाँ वो आपका एक अलग है, मीन्स 72 का स्क्वायर और
69 का स्क्वायर, ओके, वो आप ट्राई करना, मींस आपको बस समझने के लिए दिया, ओके। यस नाइस सर, नाइस बाय बाय। एक्सप्लेनेशन। यस यस, थैंक यू।